नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन न्यूज़ में। आज हम दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में मौजूद हैं। आज यहां पे एक गेट टुगेदर रखा गया है रिचार्ड वेटरन्स ग्रुप की तरफ से, जो कि एक फ़ुटबॉल का ग्रुप है जो कि आज से 40-50 साल पहले भारत के लिए, अपने अपने राज्यों के लिए, दिल्ली के लिए फ़ुटबॉल खेल चुके हैं। ऐसे काफ़ी सारे हमारे बीच महान खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। आइए आज हम उनसे आपकी खास मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस था। सर, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन पे। सर, ये बताएं कि आपने कितने वर्ष के फुटबॉल को दिया है और कितने आपका एक्सपीरियंस रहा है? मैं 71 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया था, है ना। स्टार्टेड फ्रॉम देयर, यहाँ मुगल से खेलता था मैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फुटबॉल कप्तान भी था 75-76 में, और ऑल इंडिया चैम्पियन भी हुई थी हम लोगों की कप्तानी में, है ना। वी हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। और हमारे साथ और भी हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, आप बताएं कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था और किस लेवल तक आपने खेला है? मेरा नाम निसार अहमद है। मैं इतना ज़्यादा तो नहीं खेल पाया। हमारा एक क्लब हुआ करता था डायमंड फुटबॉल क्लब, और मुगल क्लब से हम बहुत ज़्यादा जुड़े रहे, लेकिन हम देखने में ज़्यादा थे, खेल में हम ज़्यादा नहीं रहे। सर, जिस तरीके का अभी फीफा हुआ है अंडर 17, तो उससे भारत में फुटबॉल की स्थिति में कितना सुधार होगा? जी, इससे बहुत सुधार होने की उम्मीद है, और इस तरह के इवेंट्स होने ही चाहिए, और आज हम आगे के लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर है। यहाँ पे हमारे साथ मेराज कुरैशी जी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस गेट टुगेदर को आयोजन किया है और सारी मैनेजमेंट देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उनके भी मन में ये आइडिया आया कि ऐसे सब लोगों को जोड़ना चाहिए। हाँ, मेरे मन में जो आइडिया आया इस तरह से कि जहाँ हमारे 50-40 साल पुराने जो हमारे साथ में खेले हैं लड़के, उन लोगों को सबको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हम उस टाइम बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे, एक साथ में खेले भी हैं और हंसी मजाक करते थे। आज हमने उन सब लोगों को एक जगह जमा किया और यादों को हम ताज़ा करते हैं। एक महीने में, डेढ़ महीने में, दो महीने में हम सब बुलाते हैं वेटरन्स। हम लोग आपस में बैठकर खुश होते हैं, खाने वगैरह का भी प्रोग्राम करते हैं या कोई और उसमें। सर, जिस तरीके से आप अपने लिए करते हैं, आप सब पुराने खिलाड़ी मिलते हैं, तो युवाओं को, जो फुटबॉल युवा प्लेयर हैं, उनको किस तरीके से आप बताना चाहेंगे वो भी इस तरीके का कुछ करना चाहिए उन्हें? भाई, ऐसा है कि कुछ अकेडमीज़ वगैरह जो हैं स्पोर्ट्स के लिए, जो कोचिंग वगैरह चल रही है, तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो हमारा तो काम ये नहीं है, जैसे DSA है, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग अकेडमीज़ वगैरह बना रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ, हाँ, और भी क्लब्स वगैरह हैं, वो देख रहे हैं आपस में। क्योंकि हमारी फुटबॉल जब हमने खेली है तो वो उस वक्त कुछ और थी और अब कुछ और है, उसका लेवल बदल चुका है। सर, इस वक्त हमारे साथ सबसे मोस्ट सीनियर साबिर अली जी हैं, जो कि फुटबॉल के यहाँ पे इस वक्त मोस्ट सीनियर प्लेयर रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन पे। सर, ये बताएं कि आप इतने सीनियर प्लेयर रह चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस आपको है, तो आज के युवाओं में भी क्या वही फुटबॉल के लिए क्रेज़ आपको दिखता है? नहीं, क्रेज़ नहीं है इतना, क्योंकि इसमें प्रोफेशनलिज्म आ गया है बहुत ज़्यादा, और पैसा इतना है नहीं क्लबों के पास जो फुटबॉल को इम्प्रूव कर सकें। और आजकल पैसे से फुटबॉल चल रही है, क्लब हो या एसोसिएशन हो, पैसे से चल रही है। पहले इतना पैसा नहीं था जी, अब पैसे की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है, इतना पैसा अब आता नहीं है, इसीलिए फुटबॉल ये डाउन हो रही है। लीग कभी यहाँ होती है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है, पब्लिक का क्रेज़ भी कम हो गया। तो सर, फिर क्या ऐसा तरीका अपनाना चाहिए गवर्नमेंट्स को या एसोसिएशंस को, जिससे कि दोबारा से एक क्रेज़ बने फुटबॉल का इंडिया में भी? कंटिन्यूशन में अगर फुटबॉल कराएँ स्टेडियम के अंदर, कंटिन्यूशन में लीग हो, ये सुपर लीग हुआ करती है, लीग हो, मतलब कि पहले जूनियर लीग भी हुआ करती थी, ए डिवीज़न की, बी डिवीज़न की, और इंस्टीट्यूशन लीग भी हुआ करती थी, अब वो नहीं हो पा रही इतनी, समझ नहीं। अब ये है कि गैप हो जाता है, एक एक महीने, दो दो महीने का, कभी यहाँ लीग हो रही है, कभी कहीं लीग हो रही है, पब्लिक का क्रेज़ टूट गया, इधर क्रिकेट में नाश कर दिया, ग्राउंड है नहीं दिल्ली के अंदर जी। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे, अरोड़ा साहब हैं। सर, ये बताएं कि जो ये फुटबॉल है आगे बढ़ भी रहा है, फीफा भी हमने होस्ट कर लिया, तो इसके बाद भी अभी भी क्या सुधार की ज़रूरत है? सबसे पहले तो सुधार की ज़रूरत है कि बेसिकली जो स्कूल्स में, जब क्या नाम है, फुटबॉल शुरू हो, स्कूल में वहाँ कोचिंग मिले उनको, स्कूल में फैसिलिटीज़ मिले, बच्चा जो है शुरू से स्टार्ट करेगा, तब जाके वो फुटबॉल प्लेयर बन पाएगा। आप सोचो कि सिर्फ कॉलेज में आके या यहाँ क्लब में आके खेल ले, ऐसा नहीं होता। स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, स्कूल में कोच होने चाहिए,
स्कूल से अगर बच्चा उभरेगा, यूनिवर्सिटी खेलेगा, कॉलेज में खेलेगा, उसका दिल्ली लीग खेलेगा, इंडिया खेलेगा, ऐसे होता है। अगर बेसिकली उसको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। हम लोग स्कूल से ही खेलते आए तो यहाँ तक पहुँचे, नेशनल खेले, नेशनल टीम लीड की। हाँ, ये भी स्कूल था चार पाँच, और ये ऐसे थे उनमें उस टाइम पुराने कोच हुआ करते, और ये तब जाके यहाँ तक लोत्रा साहब वो कोच हुआ करते थे स्कूल के हमारे। तो आज तो स्कूल में नहीं है, आप देखो ग्राउंड नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है जी, कोच नहीं है, क्या करेंगे सर? जिस तरीके से आप लोगों की खुद की शिकायत है, आप सभी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं, तो क्या वो सिखाने की जुनून आप लोगों में भी है तो उसका करना नहीं चाहिए? जुनून सिखाने का नहीं, सीखने का होना चाहिए। आप सिखाने की बात कर रहे हो, मैंने 20 साल SRCC में कोचिंग की है, कॉलेज में जाके उन लोगों को भी हमें किक मारना सिखाना पड़ता था, जो चीज़ उनको स्कूल में सीखनी चाहिए थी वो स्कूल में नहीं सीख पाते। कॉलेज में आके, कॉलेज में आजकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ कोच मिलेगा आपको, फिजिकल डायरेक्टर है, ग्राउंड मिलेंगे, तो वहाँ से जाके प्लेयर बनने शुरू होते हैं, जबकि बनने चाहिए बेसिकली स्कूल से। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि आपने गेम देखा, आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ, आप ये देखिए किस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है। अगर बच्चा जो है फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है, आप उसको खिलाइए, उसको बताइए हमारे टाइम में किस तरीके से शॉट मारा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, किस तरीके से हेड मारा जाता है। जब तक वो सीखेगा नहीं, बच्चे को शौक नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। वही शौक ही की वजह कितने बड़े बड़े प्लेयर जो है इंडिया ने पैदा कर दिया कि 1952 के अंदर जो है वो उसका कोई क्लास ही नहीं थी, वो हमारा बैड लक हम कहते हैं उसको है, नहीं तो हम ओलंपिक चैंपियन भी होगा, इसमें क्या शक था। तो सर फुटबॉल को आगे किस तरीके से अब इंडिया में आगे ले जाया जाए और क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए टीम जिससे आगे बढ़ा जाए? पहले तो मैं खुश इसलिए हूँ, क्या मेरा भाई को पहले धन्यवाद देता हूँ कि अभी इतना बढ़िया एक आयोजन किया, ये प्रोग्राम रखा है, और वो इस प्रोग्राम के दौरान क्या हमें इतने पुराने पुराने खिलाड़ी हम लोग खेल सकें आपस में, वो एक साथ जोड़ के लाए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा पहली बार। दूसरी बात यह है कि हम हर एक आदमी जो यहाँ पे हैं उनका बैकग्राउंड फुटबॉल ही है, और फुटबॉल हम पहले जो फुटबॉल देखा आज के फुटबॉल में बहुत फ़र्क है। नोट पहले एक बच्चों में क्या जुनून होता था, वो कुछ को कुछ मिले ना मिले वो फुटबॉल के लिए अपना टाइम देता था और फुटबॉल के लिए वो अपना मन मिटता था पूरा। मगर आजकल जो प्रॉब्लम है वो है कुछ तो प्रेशर पढ़ाई का भी है, वो तो बात ठीक है, मगर ये क्या उनको बाहर लाना बड़ा मुश्किल है। मतलब जैसे आपको उसको ग्राउंड में लाओगे तभी तो वो सीखेगा, तो उसको मोटिवेशन करना है आपका ग्राउंड लेवल पे छोड़िए, पहले अपने फैमिली लेवल में, फैमिली के उसके पेरेंट्स जब इंटरेस्टेड होंगे क्या भाई इस बच्चों को खेलना चाहिए, आगे कुछ दिखेगा, तब वो फुटबॉल आगे जाएगा। फिर तो सर मतलब कि अब इस टाइम फुटबॉल का लेवल ये है कि स्मार्टफोन्स के सोकर गेम ही खेल सकता है बच्चा? नहीं, ये बोलना गलत होगा। एक बच्चे को आप छोटे उम्र से अगर उसको मोटिवेशन देंगे क्या ये फुटबॉल खेलो और ये देखो, क्योंकि फुटबॉल ऐसा खेल है मेरे ख्याल 200 से ऊपर कंट्री खेलती है और वहाँ क्रिकेट सिर्फ 10 या 11 का कंट्री, तो इस और मीडिया ने ऐसे कर रखा है क्या क्रिकेट को ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है और जिसकी वजह से फुटबॉल वो है, क्योंकि मीडिया को भी इसके साथ आना पड़ेगा आपको पूरा, और ग्रास रूट डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकता पूरी बात। जब तक स्कूलों से बच्चे नहीं निकलेंगे ना पूरा फुटबॉल भी होगा, बुनियाद वहीं से पड़ती है स्कूलों के अंदर। एंग्लो की फतेहपुरी स्कूल, DAV स्कूल, ये सारे स्कूल थे, इतने शानदार बच्चे निकलते थे और सब लड़के, हम मैं 73 में दिल्ली स्कूल खेल के आए थे हम लोग सारे, और लड़के हम जमाने लीग भी खेले करते थे, BD1 में CD1 चलती थी, लीग होती थी बहुत शानदार, एक बॉल 22 लड़के और एक बॉल। सबसे बड़ी चीज़ है जो फुटबॉल में जो फुटबॉल जो खेला हुआ है ना, खेला हुआ जो बंदा है उसको वो चलाना चाहिए एसोसिएशन, क्योंकि उसका जो फुटबॉलर का जो सेंटीमेंट है, जो उसने परेशानी कर रखा है, वो ग्राउंड में जो झेल रखा है वो उसको फिर फील कर सकता है, वो फिर दूसरे बच्चों का जो है क्या प्रॉब्लम है वो देख सकता है। मगर क्या हम लोगों का एसोसिएशन में मोस्टली जो ये है वो इसका बैकग्राउंड का नहीं है, आपका खेलने का बैकग्राउंड नहीं है पूरा, क्योंकि मेरा खुशकिस्मत यह है मैं कलकत्ता में फुटबॉल खेला, मैं दिल्ली का होके सबसे मेरे को चांस मिला, कलकत्ता मक्का फुटबॉल बोलते हैं वहाँ पे मेरे को चांस मिला है, मैं उधर खेला हूं। तो मैं डिफरेंस देख सकता हूं कि भाई हमारे दिल्ली फुटबॉल और कलकत्ता फुटबॉल में क्या फर्क है। कलकत्ता में पॉलिटिक्स होती है मगर ग्राउंड तक नहीं आता, ग्राउंड में वो फुटबॉल को चलने देते हैं जिसके लिए थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है। तो सर जैसे आज ये प्रोग्राम है और इतना अच्छा गेट टुगेदर सर ने ऑर्गेनाइज किया, मेरा सर ने, तो इस प्रोग्राम से आप लोग मिलते हैं जुलते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो क्या नई चीज सामने आती है इसमें? यही है हम लोग का अच्छा, पुराने लोग मिले एकदम इकट्ठे होके, और मेरे लिए तो खास कह रहा है कि 2 किलो ब्लड बढ़ गया मेरा, पुराने इतने इतने प्लेयरों को मिला,
और मैं वैसे 82 में ही छोड़ दिया था। बताओ ना कि हम पहचान नहीं पाए जब नजदीक ये भी है। आज भी वही आप लोगों के अंदर फुटबॉल के लिए जुनून है? बिल्कुल जुनून आज भी है हम लोग को, देखना तो छोड़ना ही नहीं। फुटबॉल का तो वहाँ से जब तक डेवलप नहीं होगा नहीं आएगा। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को चाहिए ग्रास रूट लेवल डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक ये ग्रास रूट लेवल डेवलप नहीं होगा तब तक पीक लेवल में नहीं जाएगा कोई। यहाँ से छोटे से है ना प्राइमरी एजुकेशन होती है, ऐसे मिडिल होते हैं, वैसे होता है हर चीज। तो मेन चीज है ग्रास रूट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ग्रास रूट लेवल डेवलप होगा कुछ नहीं होगा। इसमें स्टेट लेवल ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है। यहीं पर चार मैच यहाँ हो गए तो फिर पहुंच गए बच्चों। समस्याएं और शिकायतें तो बहुत है लेकिन सभी शिकायतों से ऊपर उठ के जो एक कोशिश है वो सभी की है। इस वक्त हमारे साथ एक और सर इनको बात करते हैं, दीपक सर हैं। सर बताएं कि किस तरीके से फुटबॉल की भारत में इस वक्त स्थिति है? इस टाइम जो है इंडिया के अंदर जो स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या पेरेंट्स जो हैं आजकल जो हैं सब एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा बच्चों को फोर्स करते हैं कि स्टडी करो, स्पोर्ट्स के अंदर नहीं मिलेगा। पहले क्या करते थे पेरेंट्स, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए हर चीज़ के लिए घर में फैसिलिटी मिलती थी तो बच्चे राइज करते थे। आजकल बच्चों के ऊपर प्रेशर स्टडी का ज़्यादा है। और सबसे सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है कि बच्चों को घर से पूरी सपोर्ट चाहिए। पहले क्या करते थे सारा टाइम लड़के बैग पीछे टांगे रखते थे, जहाँ मौसम बन गया बादल हो जाते थे वहीं अपना बॉल निकाली, चार लड़के हैं वो चार लड़के ग्राउंड में लग जाते थे, दो दो घंटे प्रैक्टिस होती थी, दिल से करते थे। आजकल बच्चों के अंदर टीवी मूवीज़ मोटरसाइकिल नीचे चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मोबाइल हो गया, इस चीज़ से जो है स्पोर्ट्स आगे इंडिया का आगे नहीं आ रहा। ये स्पेशल इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और ये काम जो है कोच का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का काम होता है। पेरेंट्स का है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और ग्राउंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान रखें और उनको ग्राउंड के अंदर भेजें। जितना ग्राउंड के अंदर बच्चा खेलेगा जितना प्रैक्टिस करेगा, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जी, तो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना वो निकल के आएगा, उतना इंडिया में ये लड़के अच्छा अच्छा टैलेंट निकलेगा और आप लोगों को मिलेंगे लड़के और खेलने के लिए तब जाके। और दूसरी चीज़ इंडिया के अंदर जो कोचेज हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आजकल 60% 70% 80% कोचेज ऐसे हैं जिन्होंने आज तक फुटबॉल ही नहीं खेली। बिल्कुल इवन स्टेडियम के अंदर भी लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं यहाँ अम्बेडकर स्टेडियम के अंदर भी लोग कि जो आज तक फुटबॉल खेले नहीं है वो फुटबॉल के यहाँ हेड बने हुए हैं। तो यहाँ दिल्ली के अंदर क्या सॉकर पर राइज करेगा, कहाँ से अच्छे प्लेयर निकलेंगे बाहर? बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है। हम लोग सारे लड़के सारे हैं एजुकेशन भी होती है, सब ग्रेजुएट हैं, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, सब ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट होने के बाद भी ग्राउंड के अंदर तबाही मचा रखी होती थी। ग्राउंड के अंदर जब अंदर जाना तो अंदर ही है, 8-8 घंटे 6-6 घंटे प्रैक्टिस होती थी तो जाके आदमी ग्राउंड के अंदर नजर आता था, मैच के अंदर नजर आता था कि ये लड़का है कि हाँ ये बहुत अच्छा खेल रहा है। आजकल वो चीज़ नहीं है, लोगों को टीवी चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए हर चीज़ चाहिए, नहीं हमारे जमाने नहीं था। वो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा तब जाके स्पोर्ट्स के अंदर निकलेगा। ये है किसी के पास साइकिल थी तो बहुत बड़ी लोग आते थे। सर से भी बात करते हैं, सर ये बताएं कि जो एसोसिएशंस हैं लगातार पंगे रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स पे कैसे ओवरकम किया जाए? ऐसा है कि जितने भी हमारे बड़े भाई यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों ने सब कुछ अपना बता दिया। निचोड़ सारा यही है कि जो यहाँ पर जो फुटबॉल हो रही है, जो लड़का बी डिवीजन में खेल रहा है वो लड़का ए डिवीजन में खेलता है, और जो लड़का ए डिवीजन में खेल रहा है वो सुपर डिवीजन में खेलता है, क्योंकि उसके पास है गेम तो इसलिए कोई वो नहीं है, रोक टोक कुछ नहीं है। 7 दिन के अंदर कोर्स करो, डी लाइसेंस बनाओ, सी लाइसेंस बनाओ, ए लाइसेंस बनाओ और कोच बन जाओ। जिसने फुटबॉल नहीं खेली है वो कोच बन रहे हैं। रेफरीशिप में भी ये हाल है कि जो जिन लोगों ने फुटबॉल नहीं खेली है आज वो रेफरी बन रहे हैं, उनको झंडा पकड़ने नहीं आता, उनको विसिल बजानी तक नहीं आती है। एज ए मैच कमीशन में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर उनको बताना पड़ता है भाई कहाँ के इधर है, वो ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि जैसे हमारे दीपक नाथ भाई ने बताया है कि ऐसा सब कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिल्ली के अंदर 74 से कच्ची फुटबॉल सीनियर लेवल के पर खेल के निकला हूँ, और मुगल स्पोर्ट्स के अंदर एज ए भारी पत्थर जो होता ना रखा वहाँ से निकल के एज ए कोच, एज ए रेफरी, एज ए मैच कमिश्नर
और मैं अब जो मेरी अकेडमी चल रही है आप वहाँ पर आके देखोगे तो मेरे पास 6-5 साल से लेकर बच्चा और 14 साल तक का बच्चा मेरे यहाँ प्रैक्टिस करता है। और वो प्रैक्टिस इसलिए होती है कि मैं दिल से कराता हूँ, जो देता है ठीक है ओके, उसकी फिट सारा सब कुछ उनका होता है बच्चों का। मेरा जो काम जो ऊपर वाले ने मुझको दिया है ना, एक तोड़ा होता है, गिफ्ट दिया हुआ है, मैंने चाहता कि वो मेरे अंदर तक सीमित रहे। आप अपना हुनर आगे बढ़ाते हैं, मैं उसको आप लोगों बच्चों को इतना सिखा रहे हैं और कि उनमें भी एक वो हुनर। दिल्ली के मोस्टली जितने दिल्ली के DPS मतलब रॉड ब्रिज स्कूल, अमेरिकन स्कूल, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, यानी मोस्टली सारे स्कूलों में मैं कोचिंग करा चुका हूँ। कॉलेज के अंदर मैं करवा चुका हूँ, महाराजा अगर सिंह कॉलेज के अंदर पहले टीम को उठाने वाला मैं था, कॉलेज की जो आज तक खेल रही है सारा सब कुछ मैं अच्छे तरह से। मगर ये है कि जब तक कि हमारे को फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी और जो फुटबॉल खिलाड़ी खेले हुए हैं, मैं बैठे बैठे यहाँ बैठा हूँ ना, आप मैच खिला लो, मैं खड़े होकर मैच खिला दूंगा सारा। मगर क्या एक्सपीरियंस है, हमने खेला है, सब कुछ करा है और हम चाहते हैं, और हम जो DSA से भी करेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जो पुराने खिलाड़ी खेल चुके हैं और रह चुके हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनको आगे लेकर के आएँ ताकि फुटबॉल का जो करियर है आगे को बढ़ सके, ताकि उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें। जी सर, हाँ, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन की तरफ से आप देश भर में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो फुटबॉल में अच्छा बन सके? पहले जो फुटबॉल होती थी ना, जैसे गाजियाबाद में पहुंच गए, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ खेल के आ रहे हैं, इतना खुश होते हैं, वहाँ जीत के ट्रॉफी लेकर के आ रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, इधर जा छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट जाकर फुटबॉल होती थी। आज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्या कर दिया है, 12 टीमें लेते हैं, 12 टीमें लेने के बाद वो 12 टीमों की टीम कराते हैं, और उस टैलेंट के अंदर 12 टीमों के अंदर 3 खिलाड़ी फॉरनर्स खेलते हैं, 9 खिलाड़ी हमारे इंडिया के खेलते हैं, 8 खिलाड़ी। तो आप बताओ टैलेंट कैसे निकलेगा जब तक कि बच्चा छोटे से निकल के नहीं आ गया। जैसे ग्रास रूट की फुटबॉल हो रही है ना, जब तक हमारे लेवल में जब हम खेलते थे फुटबॉल तो छोटी छोटी जगह टूर्नामेंट्स होते थे, गाजियाबाद में लियाकत भाई छोटी छोटी जगह टूर्नामेंट्स होते थे और हम खेलने जाते थे फुटबॉल, मैं गाजियाबाद मेरठ ये मध्य प्रदेश जा रहे थे, UP जाते थे, सारी जगह खेलने जाते थे, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और वहाँ इतना खेलने को मिलता था और इतना जोश पड़ता था कि अगर किसी का हमने छीनना हो ना कुछ, जैसे उसके पास कोई चीज़ है उसके पाँव के अंदर, हम एकदम से पिकअप कर देते यार हमने करके दिखाना। मेरे फादर 1922 में फुटबॉल खेलते थे, 1922 से फादर मेरे, तो हम 3 भाई हैं ना जी, 3 भाई नेशनल प्लेयर, साबिर, मकबूल। तो सर आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी क्या फुटबॉल? मेरे भतीजे वो 2 क्रिकेट खेलना है, 1 फुटबॉल खेलना है, तो वो फुटबॉल से क्रिकेट तक जो ट्रांसफ़र हो जाता है वही सबसे बड़ी कमी है। वो कमी होती है, बस जो लड़का फुटबॉल खेले और ट्रांसफर हो गया क्रिकेट खेलने में, ना फुटबॉल कर रहा ना क्रिकेट कर रहा। मेरे तो यही है कि जो मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, दिल्ली सॉकर एसोसिएशन से जाना चाह रहा हूँ कि जितने पुराने खिलाड़ी हैं और जो खेल चुके हैं, जिन्होंने अपना खून तक बहा दिया है, सब कुछ कर दिया, उन लोगों को आगे लाया जाए, उनसे सारे जो हैं खाना पूरी करी जाए, भाई पूछा जाए, सारा सब कुछ करा जाए, तो फुटबॉल उठ सकती है, नहीं तो फुटबॉल एज इट इज रहेगी। हमने जो अभी 17 साल का टूर्नामेंट हुआ है वर्ल्ड कप का, उसके अंदर उन्होंने देख लिया कि इंडियन फुटबॉल की क्या हैसियत रही है। 6 महीने कैंप लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 6 महीना कैंप बाहर लगा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 साल दे दें, उसकी पोजीशन में ला के दे रहा हूँ आपको, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को करके दे रहा हूँ। तो 6 महीना इंडिया की टीम को बाहर ट्रेनिंग दी गई, बाहर ट्रेनिंग दी गई, मगर उसके बाद भी हमारे टीम के परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं आई है जी। तो हम चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर सीनियर जितने भी खिलाड़ी हैं सब निकल चुके, 60 से ऊपर हो चुके हैं, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। और ये हमारे मुगल स्पोर्ट्स क्लब का जो बना है कि भाई वेटरन्स का लेकर के आना है, रिचार्ज वेटरन, तो हम सब इकट्ठे होकर यहाँ पर आएँ ताकि इसके द्वारा कोई मैसेज बाहर तक जाए, ताकि जो खिलाड़ी खेल चुके हैं वो दूसरों को नसीहत देने वाले बन सकें। हाँ जी, लो हम बांटने आए हैं, लो हमारे चलो सारी चीज़ें, ये है जी। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ वो फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अपना जीवन पूरा फुटबॉल के नाम किया है और पूरी तरीके से दिल्ली नहीं पूरे देश भर में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेल के आए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, 1-2 दिन नहीं लगभग 40 से 50 साल के एक्सपीरियंस है सभी का और सभी एक अच्छे अच्छे लेवल के हैं, लेकिन एसोसिएशंस के पंगे और फुटबॉल को लेती जिज्ञासा जो बच्चों में कम हो रही है उनसे सभी नाराज़ हैं और सभी कहना चाहते हैं कि हाँ दोबारा से भारत में फुटबॉल शिखर पर जाना चाहिए। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ पवन कुमार जुनेजा, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन।